Dear students, welcome to Chauhan English classes once again. I am Chauhan sir, the teacher of English. और आप लोगों को लास्ट वीडियो में सिंटैक्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था. जी हाँ, सिंटैक्स जिसका हिंदी होता है वाक्य रचना, जिसका दूसरा नाम होता है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट. पिछला वीडियो यदि आप देखे हैं तो ठीक है, नहीं तो जाकर के पहले आप उसे देखिए. उसमें रूल 5 तक पढ़ा दिया गया है और आज हम लोग उसी सिंटैक्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे रूल 6 से. तो देखते हैं कि रूल 6 क्या होता है. सबसे पहले मैं हेडिंग बना लूं सिंटैक्स, सभी बच्चे लोग समझ जाए सिंटैक्स होता क्या है. इसमें हम लोग कैसे वाक्यों का स्टडी करते हैं, तो वाक्य रचना इसका हिंदी होता है और इसमें हम लोग किसी वर्ब का रिलेशन सब्जेक्ट के साथ समझते हैं, यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के बीच के जो रिलेशन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं. किसी भी वाक्य में आपको पता होना चाहिए सिंटैक्स में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग का अध्ययन किया जाता है. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो ग्रामर का रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है. तो रूल नंबर 6 देखेंगे हम लोग, रूल नंबर 5 तक पढ़ा दिया गया है. यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिए. रूल नंबर 6 कहता है सेवरल वेरियस मैनी बोथ तथा ऑफ यू. दोस्तों याद रखेंगे सेवरल वेरियस मैनी बोथ ऑफ यू, ये सभी जो वर्ड्स हैं इन सभी वर्ड्स के बाद जो सब्जेक्ट आते हैं, जो नाउन आते हैं वो हमेशा प्लुरल होते हैं. किसके किसके बाद ध्यान से आप देखेंगे, इसको याद रखेंगे आप सेवरल वेरियस मैनी बोथ ऑफ यू. सेवरल और वेरियस का हिंदी होता है कई या अनेक, कई या अनेक. मैनी का हिंदी होता है बहुत और बोथ का हिंदी होता है दोनों और अ फ्यू का हिंदी होता है कुछ. इसके बाद आने वाले नाउन हमेशा प्लुरल होता है और वर्ब भी प्लुरल होता है. किसके किसके बाद ध्यान देंगे, सेवरल वेरियस मैनी बोथ अ फ्यू के बाद आने वाले नाउन तथा वर्ब दोनों प्लुरल होता है. इस बात को आप लिख लेंगे सेवरल वेरियस मैनी बोथ तथा अ फ्यू के बाद आने वाले नाउन तथा वर्ब दोनों प्लुरल होता है, प्लुरल होता है. एग्जाम्पल देखेंगे इसका, एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल हो जाएगा सेवरल स्टूडेंट्स डैश अब्सेंट टूडे. अगर वाक्य की इस प्रकार से दे दिया जाए एग्जाम्पल और बोला जाए कि यहाँ पर इज या आर का प्रयोग करेंगे तो ध्यान देंगे सेवरल के बाद जो नाउन है वो भी प्लुरल होगा, नाउन भी प्लुरल होगा और जो वर्ब है ये भी प्लुरल होता है. इसलिए सेवरल स्टूडेंट्स के साथ आर का यूज किया जाएगा. वेरियस का अर्थ भी कई या अनेक होता है, सेवरल की जगह अगर वेरियस भी दे दिया जाए तो आर का ही प्रयोग होगा. उसी प्रकार मैनी से अगर एग्जाम्पल दिया हो मैनी चिल्ड्रेन डैश प्लेइंग देयर और यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि वास या वर का प्रयोग होगा तो इसका आंसर हो जाएगा वर. उसी प्रकार एग्जाम्पल थर्ड में बात करेंगे हम बोथ से, जिसका अर्थ होता है दोनों. जैसे कि बोथ द ब्रदर्स
दैट्स वेरी ऑनेस्ट। तो यहां पर इज या आर की बात की जाए तो आर होगा। एग्जाम्पल अगर फोर देखेंगे ऑफ यू के लिए, फ्रेंड्स ऑफ यू का अर्थ होता है कुछ, और इस प्रकार इसका एग्जाम्पल होगा अ फ्यू गर्ल्स डैश रीडिंग अ बुक। यहां पर एग्जाम्पल इज या आर तो पता चलेगा कि आर होगा। तो सिंटेक्स का रूल है सेवरल वेरियस मैनी बोथ अ फ्यू के बाद आने वाले नाउन तथा वर्ब दोनों प्लुरल होते हैं। इस रूल की एक खासियत है इसमें एक नोट पढ़ना है, नोट जो है वो मैनी से रिलेटेड है, मैनी जिसका अर्थ होता है बहुत। तो इसका आप नोट लिख लेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको मैरी से रिलेटेड जो नोट है उसके ऊपर बात करेंगे। मैरी से रिलेटेड नोट कहता है कि यदि मैरी के बाद ए या एन आ जाए, आर्टिकल ए या एन, मैरी के बाद आर्टिकल ए या एन आ जाए तो अब आगे आने वाला नाउन तथा वर्ब दोनों सिंगुलर होता है न कि प्लुरल। देखिए मैरी तो अपने बाद नाउन और वर्ब दोनों प्लुरल लेता है, लेकिन मैनी के बाद ए या एन दिया हो तो वहां पर थोड़ा गौर करेंगे, वहां पर अब पहले के जैसा चलने वाला नहीं है। मैनी के बाद ए या एन आ जाने पर आगे आने वाले नाउन तथा वर्ब दोनों सिंगुलर होते हैं। इस बात को देखिए मैं नोट में लिख रहा हूँ, इसी बात को नोट में आप भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए नोट में, मैनी के बाद नाउन तथा वर्ब दोनों प्लुरल होता है लेकिन मैनी के बाद ए या एन दिख जाए, याद रखेंगे मैनी के बाद ए या एन दिख जाए तो अब नाउन तथा वर्ब दोनों सिंगुलर होगा न कि प्लुरल। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे हम, एग्जाम्पल यहाँ यदि मैं देखूं तो एग्जाम्पल इस प्रकार से होगा, मैनी पर्सन्स, मैनी पर्सन्स आर वेटिंग। देखिए मैनी के साथ प्लुरल नाउन प्लुरल वर्ब लेकिन ए या एन लगा दिया जाए, मैनी अ पर्सन, अब यहां पर वर्ब सिंगुलर होगा न कि प्लुरल। दोस्तों आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस पॉइंट का ये नोट है, इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे मैनी के साथ नाउन या वर्ब दोनों प्लुरल होता है, लेकिन यदि ए या एन दिख जाए मैनी के बाद तो अब आगे आने वाला नाउन तथा वर्ब दोनों सिंगुलर होगा न कि प्लुरल। तो ये हमारा था रूल नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है, रूल नंबर 7 आपको मैं बता दूं